नमस्कार, बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद के हरक ब्लॉक के अंतर्गत का पूरा मामला है। ग्राम पंचायत इम्बिरहमाबाद के अंतर्गत बाबा पुरवा के निकट इस तरीके से खनन माफिया इस तरीके से हावी हैं, ये तो देखने वाली बात होगी कि खनन माफिया कहीं पर 10 फुट, कहीं पर 12 फुट, कहीं पर 14 फुट, यहाँ तक 20-20 फुट तक खोद देते हैं। पीला बालू छोड़कर सफ़ेद बालू निकलने लगता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि खनन माफिया पर कब होगी कार्रवाई। जिस तरीके से बाराबंकी तेज तर्रार खनन इंस्पेक्टर इन खनन माफियाओं पर क्या करेंगे कार्रवाई, अब तो देखने वाली बात होगी। वहीं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार बाराबंकी तेज तर्रार ऐसे खनन माफियाओं पर कब अंकुश लगाएंगे। जिस तरीके से इनकी रिवाल्टी देने में कोई कुताही नहीं करते हैं, क्या इसी प्रकार से इन खनन माफियाओं पर होगी कार्रवाई, ये तो देखने वाली बात होगी कि खनन माफियाओं पर कब होगी कार्रवाई। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। और हाँ अब इधर उधर ऊपर बढ़े चलो यो वत्ते है, ये है 7 फुट का। हाँ 9 फुट का हो जाना है, 9-10 फुट का है, 10 फुट का फीता है। जो पहले पढ़ हुआ 8.5 हो गया। हाँ लाओ नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं इब्राहिमाबाद ग्राम पंचायत जो तहसील लगती है नवाबगंज और विकास खंड लगता है हरख विकास खंड के अंतर्गत है इब्राहिमाबाद ग्राम पंचायत के मजर के मैकुकपुरवा। तो मैकुकपुरवा से करीब करीब एक किलोमीटर से ज़्यादा जो है इधर गाँव है बागपुरवा से करीब 1 किलोमीटर ज़्यादा यहाँ पर जो है मैं एक खनन के खड़ा हूँ। यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि खनन माफियाओं ने करीब करीब 16 फीट 14 फीट गहरान जो है यहाँ पर सीधा दिखा रहा है कि 14 फीट गहरान को खनन किया है। और अपने कैमरे से दिखा कि इस तरफ जो है हमने भी नाप के देखा है कि यहाँ पर जो है करीब करीब 20 फीट गहरा खोदा गया। इधर दिखाइए कैमरा, इधर हाँ इस तरफ जो है जहाँ पर अब कैमरा चल रहा है वहाँ पर करीब 20 फीट गहरान खोदा गया है। और उसके बाद जो पूरी चारों तरफ आपको दिखाया जाता है दिखाया करीब करीब कहीं पर जो है 12 फीट, कहीं 10 फीट और कहीं पर 15-20 फीट तक का खोदा गया है। तो इस तरीके से जो है ये करीब करीब 4 दिन पहले तो पिछले महीने की 5 तारीख से 3 खनन हुए थे। एक जो है मल्हार में था और एक था गरारी पुरवा में, इब्राहिमाबाद की पंचायत से लगती है गरारी पुरवा पुरवा में था। और एक ये यहाँ पर 3 खनन चल रहे थे तो कोई पहली तारीख से शुरू हो रहा था, कोई 5 तारीख से, तो इस वक्त जो है करीब 4 दिन पहले खनन बंद हुआ है। अभी ताज़े निशान लगते हैं कि यहाँ पर जो है करीब करीब मानक जो है 2 मीटर का होना चाहिए, यानी 6 फुट से 8 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है खनन माफियाओं ने 6 फुट की बजाय जो है 20-20 फीट तक 3 गुना और जो है 2-2 गुना तक खोद लिया है। इस तरीके से जो है अवैध तरीके से खुदाई की है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है जो राजस्व जो 65 रुपये प्रति घन मीटर जो है पीला बालू का जो है 65 रुपये घन मीटर जो है राजस्व मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उस रॉयल्टी पर भी लोटा किया है। और यह देखिए पीला बालू साफ साफ जो है, यह देखिए यह पीला बालू है, पीले बालू का भी खनन किया है। और दिखा जाए तो किसी तरीके से जो है कई यहाँ पर बेचने के लिए आज भी जो है इस खनन के थोड़ा दूरी पर कई डंपर कई ट्रक जो है पीला बालू पड़ा हुआ है, डंप किया गया है, उसको भी जो है भट्ठों के मार्फत इसको बेचा जाएगा। और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो है यह देखिए करीब करीब यहाँ पर भी जो है आपको दिखाई पड़ रहा है कि 15 फीट से ज़्यादा खुदाई की गई है। कैमरे से दिखाया है कि इस तरीके से जो है मानक को दरकिनार करते हुए खुदाई की है। तो खनन तो बंद हो चुका है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय
सत्य कुमार जी हैं और खंड अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो है इसकी नाप जोख करके कि जो जो ज़्यादा खनन किया है इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करके इनके ऊपर राजस्व वसूली हो, जिससे कि ये खनन माफियाओं के हौसले बुलंद न हो, मानक के हिसाब से काम करें, मानक के विपरीत काम ना करें। अब देखने वाली यही बात होगी कि हमारी खबर को संज्ञान में लेकर के खनन अधिकारी महोदय, ईमानदार तेज दरबार सत्येंद्र कुमार जी जिलाधिकारी महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जिससे कि योगी आदित्यनाथ का इस्तकबाल कायम रहे। और जो है हाँ, और इस विधान चाहते हैं कैसे दिखाए कि जो है जो नदी का बालू सफ़ेद बालू जो स्लेब में और जो है कीमती बिकता है, सफ़ेद बालू भी जो है खनन किया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल कैसे कायम रखते हैं यहाँ के अधिकारी, और इस पर क्या ठोस कार्रवाई करते हैं, जिससे कि इन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद ना हो और मानक हिसाब से काम करें, इनके ऊपर जुर्माना जरूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट आर एस शर्मा के साथ बारह मिनट।